अल्लाह ताला ने कामयाब मोमिनीन की चंद सिफात इस आयत में बयान फरमाया। कौन मोमिन कामयाब है तो फरमाता है, पद अफलाह मन तज़क्का, वो कामयाब हुए जिन्होंने अपने आप को गुनाहों से पाक किया। मतलब ये है कि गुनाह करके कोई कामयाब हो ही नहीं सकता। अगर कामयाबी मिलेगी तो गुनाह से बचकर। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा ने जब हजरते सैयदना अमीरे माविया रदी अल्लाह ताला को एक खत लिखा, तो खत का मजमून ये था कि जब कोई बंदा छुप कर तन्हाई में गुनाह करता है तो लोग उससे नफरत करने लगते हैं। यानी नफरतें बेसबब नहीं होती। जब इंसान गुनाह करता है तो लोग उससे नफरत करते हैं। मौजूदा हालात में कौम के मुदब्बिरीन मुफक्किरीन खुतबा उदबा इस बात पर ज्यादा जोर दे रहे हैं कि लोग हमसे नफरत क्यों कर रहे हैं। वाजे, गुनाह करोगे तो लोग आपसे नफरत करेंगे, मोहब्बत क्यों करेंगे? तो कुरान कहता है, इन्नल्लदीना आमनू वअमिलु स्वालिहात सैयज अलहमान वुद्दा, कि जो ईमान लाने के बाद नेक अमल करता है अल्लाह उसकी मोहब्बत को लोगों के दिलों में उंडेल देता है। मेयारे मोहब्बत क्या है? यानी दुनिया मोहब्बत करने पर मजबूर होगी उनसे जो नेक अमल करें ईमान लाने के बाद, और जो पाप करें जो जराइम करें पूरी दुनिया हमसे नफरत कर रही है। नफरत की वजह हमारे गुनाह है। कभी कभी लोगों को ये बात कही जाती है तो लोग कहते हैं कि ये मौलवी लोग जो है वो हर बात गुनाह पे ला करके डालते हैं। हम कहते हैं अगर अल्लाह के कुरान पर ईमान लाए हो तो कुरान कह रहा है कि जो ईमान लाने के बाद नेक अमल करे अल्लाह उनकी मोहब्बत को लोगों के दिलों में उंडेल देता है। ईमान के बाद ईमान तो है, नेक अमल कहां है? और उम्मुल मोमिनीन का ये फरमाना कि जो तन्हाई में छुपकर गुनाह करे अल्लाह लोगों के दिल में उसके लिए नफरत पैदा करता है। यहां मुसलमानों के दिल में नहीं फरमाया, लोगों के दिल में फरमाया, लोग नफरत करेंगे। आप देखें, हम झूठ हम बोलें, चोरियां हम करें, गीबत हम करें, बदी कितनी आम हो रही है मुस्लिम माशरे में, शराब नशा भंग चरस इंटरनेट का हराम इस्तेमाल, लोग नफरत ना करेंगे। एक बात याद रखें कि अगर सब नफरत करें और कुदरत मोहब्बत करे फिर सब की नफरतें खत्म होती है, क्योंकि अल्लाह फरमाता है जिससे मैं मोहब्बत करता हूं। फिर जिब्रील से कहता हूं कि जिब्रील वो फुला बंदे से मैं मोहब्बत करता हूं, तो तुम भी मोहब्बत करो, जिब्रील उससे मोहब्बत करता है। जो महबूबे खुदा होता है वो महबूबे जिब्रील भी हो जाता है। फिर जिब्रील ऐलान करते हैं आसमान वालों में कि मैं और अल्लाह मोहब्बत करते हैं फुला इब्ने फुला से, तुम भी मोहब्बत करो, तो आसमान के फरिश्ते उससे मोहब्बत करने लगे, वो महबूबे मलाइका भी हो जाता है। और फिर जमीन वालों के दिल में मोहब्बत के थाल भरकर उनके दिलों के अंदर उंडेल दिया जाता है कि फुला इब्ने फुला से मोहब्बत करो। सरकार गरीब नवाज आपके कौन लगते हैं? दादा पर दादा, खानदान क्या है? है कोई खानदानी रिश्ता? कोई कबीले का रिश्ता नहीं, कोई खानदानी रिश्ता नहीं। वो संजर में पैदा हुए, आप हिंद में पैदा हुए,
लेकिन अपने बाप दादाओं से ज्यादा उनसे मोहब्बत करते हो कि नहीं करते? क्यों करते हो? एक बात आपसे कहता हूं, जो आपसे और हमसे नफरत करते हैं वो लोग भी गरीब नवाज से मोहब्बत करते हैं। देख लो, वहां मुस्लिम गैर मुस्लिम दोनों अकीदत से जाते हैं, है ना? वजह, हमने जरायम किए, हमने जरायम किए, हमने पाप किए, हमने बदी की, और उन्होंने अल्लाह को राजी किया, नेक अमल किया। तो पहली चीज कामयाब मोमिन की, कद अफलह मन तज़क्का, कामयाब हो गए वो लोग जिन्होंने अपने आप को गुनाह से पाक किया। जल्दी से, मैंने पहली कहा कि इख्तिसार से काम लेंगे, गुनाह से पाक हो जाओ।